गुड मॉर्निंग बच्चों, संत मैरी पब्लिक स्कूल से M1 क्लास की शिक्षिका आई एम संगीता मैम। आज मैं M1 क्लास में मैथ्स पढ़ाने जा रही हूँ। मैथ्स में आपका है काउंटिंग, और काउंटिंग है आपको 4646 से लेकर के 5050 तक। तो बच्चों, हम पहले 4-6 से शुरू करते हैं। 4-6 का काउंटिंग है, इसमें हर डब्बे जो ये डब्बा जो लाइन खींचा हुआ है, ये पूरे डब्बे में दिया हुआ है 10-10 लाइन। तो चारों डब्बा जब हम जोड़ेंगे, चार डब्बा में दिया हुआ है 10-10 लाइन, तो हम चारों डब्बा को जब लाइन में खींच काउंट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 40, और ये डब्बा में जो 6 दिया हुआ है इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 46। तो बच्चों आप देखिएगा 46 किस तरह से लिखा हुआ है, इसी तरह से आप अपने कॉपी पे लिखिएगा। फिर 46 के बाद 47 है, तो 47 के सामने जो ये डब्बा दिया हुआ है इसमें है 10-10 का सर्किल दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है 7। तो बच्चों हम पांचों डब्बा को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 47। पूरे को जब काउंट करके ऐड करेंगे तो कितना होगा, 47। तो फिर आप देखिएगा जो 47 किस तरह से लिखेंगे, इसी तरह से आप भी लिखेगा 47, यहाँ आप देख करके लिखिएगा अपने कॉपी पे। फिर 47 के बाद आएगा 48, तो इसमें दिया हुआ है तिरंगा, देखिएगा जो कितने, इसमें भी 10 है, इसमें भी है, इसमें भी, और इसमें, तो चारों डब्बा को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 40, और इसमें दिया हुआ है 8। तो हम जब पांचों डब्बा को काउंट करके ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 48। तो बच्चों फिर आप देखिएगा जो 48 कैसे लिखा हुआ है, और उसी तरह से आप अपने कॉपी में लिखिएगा। 48 के बाद आता है 49, तो 49 फिर उसी तरह से इसमें यहाँ लाइन दिया हुआ है हर डब्बे में, इसमें 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 भी 10 है, इसमें भी 10 है, और इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, और यहाँ पे दिया हुआ है 9। तो हम पांचों डब्बा को जब हम ऐड करेंगे तो फिर आएगा कितना, 49। तो 49 फिर देखिएगा, और उसी तरह से आप अपने कॉपी पे लिखिएगा। फिर 49 के बाद आएगा 50, तो 50 में भी दिया हुआ है, इसमें भी, ये तो पांचों डब्बा में दिया हुआ है 10, तो यहाँ 10 है और यहाँ 10 है, इसमें और इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20, और 20 में फिर 10 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 30, और 30 में 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40, और 40 में ऐड करेंगे 10 तो कितना जाएगा, 5050। तो बच्चों देखिएगा 5050 हम किस तरह से लिखे हैं, इसी तरह से आप अपने कॉपी में लिखिएगा, और लिखने के बाद फिर इसको आप पढ़िएगा, पढ़ करके देखिएगा 5, 4, 4, 6, 46, 4, 7, 47, 4, 8, 48, 4, 9, 49, 5, 0, 50। तो बच्चों आप इस तरह से इसको आप काउंटिंग करके ऐड करके इसी तरह से जोड़ करके पूरे को लिखिएगा, और लिख करके जिस तरह से हम पढ़ने के लिए आपको बताएं उसी तरह से आप पढ़िएगा, और पढ़ करके फिर अगले दिन हम आपको आगे बताएंगे। थैंक यू बच्चों।